उत्तर प्रदेश में तमाम जो योजनाएं चल रही हैं और सरकार की जो नीतियां चल रही हैं उसको मुखर रूप से उसका विरोध जो जनभावना से संबंधित नहीं है या ऐसी चीज़ें जो लगातार एक विपक्ष के नाते उसको मजबूती से उठाने का प्रयास जिस तरीके से हो रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय जी हमारे साथ हैं। सर, अभी आप विधानसभा सुबह सुबह गए थे, क्या मामला था और किस तरीके से आप योगी सरकार को घेर रहे हैं? देखिए, दो गंभीर विषय थे। एक तो आज प्रश्न प्रहर में हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री से जानना चाहा है कि क्या सरकार बताएगी कि आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है। हमने सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार किसान आयोग का गठन करेगी। देश में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब सरकार में नहीं थी तो अपने आप को चौकीदार कहती थी और चौकीदारों ने देश के किसानों को खेत का पहरेदार बना दिया। हमने पूछा क्या सरकार के पास पहरेदारी भत्ता देने की कोई योजना है। हमने सरकार से जानना चाहा, जो फसलें बर्बाद हो गई हैं 3 वर्षों से, आवारा पशुओं ने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया है, उसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान ये सरकार करेगी? सरकार ने स्पष्ट रूप से केवल पूरे सदन में गुमराह करने का काम किया और जो उन्होंने सदन में जवाब दिया वो अपने आप में हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि गेहूं अधिक मात्रा में पैदा होने वाला है, धान रिकॉर्ड तोड़ पैदावार में वृद्धि हुई है। कहीं ना कहीं जो सवाल हम उनसे जानना चाहते थे, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश आहत है, किसान परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या कर रहा है, पिछले साल के अनुपात में NCERB के रिपोर्ट के अनुसार 3.9% आत्महत्याओं में केवल उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा जो समस्याएं आई हैं वो आवारा पशु और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के नाते आई हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की जनभावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए एक सशक्त विपक्ष होने के नाते हमने सरकार से उसके उपाय पूछे, लेकिन सरकार कहती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आवारा पशुओं को छोड़ दिया गया इसलिए आवारा पशु यहाँ संकट बने हैं। भाई, ये मान लिया जाए दिल्ली का बॉर्डर और अन्य जगहों का बॉर्डर होगा, देवरिया कुशीनगर महाराजगंज में कहाँ से आ गए? वो तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर नहीं होगा। कहीं ना कहीं पूरी तरह सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया है, गुमराह किया है। ये सरकार किसान विरोधी है, जो उसके जवाब से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने का काम किया है। प्रदेश कमेटियों का कब से गठन होगा, क्योंकि अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार जल्दी होने वाला है? नहीं, प्रदेश कमेटियां तो गठित हो गई हैं और प्रदेश महासचिव, सचिव और जो हमारे और भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो लगातार मंडलों में, जनपदों में जाकर, और अभी जो हम लोग किसान जन जागरण अभियान चला रहे हैं 40 दिनों का, जिसमें लगभग 55 लाख परिवारों से मिलने का, 2.5 करोड़ लोगों से मिलने का जो लक्ष्य है, 15,000 नुक्कड़ सभाएं, 800 आंदोलन, उस क्रम में आगे के साथ बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हमारे प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आज किसानों के बीच में है, उनकी भावनाओं को सुन रहा है। उसी भावना को मैंने आज विधानसभा में सरकार से जानना चाहा। राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, स्वतंत्र देव सिंह ने बोला है ऐतिहासिक पल है। मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में आया हो। हाँ, ये जरूर है कि इस बार कुछ नए रूप में राष्ट्रपति का आगमन हुआ है। पिछले समयों में जब कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता था भारत में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारे समझौते होते थे, बहुत सारे व्यापार के आदान प्रदान होते थे और कुछ न कुछ एक नई तस्वीर और देश के लिए आगे का भविष्य क्या होगा, उस देश से रिश्ता क्या होगा, इन विषयों पर निर्भर करता था। लेकिन शायद पिछले समय मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए ट्रंप साहब ने अमेरिका में बड़ा आयोजन किया और उसके फलस्वरूप ट्रंप साहब को चुनाव जिताने के लिए मोदी जी ने यहाँ आयोजन किया है। और मुझे लगता है कि ये पूरा भारतीय जनता पार्टी इवेंट की राजनीति पर, पोस्टर होर्डिंग बैनर की राजनीति पर, और देश में जो आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, कानून व्यवस्था की चुनौती है, रोजगार का संकट है, जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था, लगातार GDP जो देश की गिरती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं जिस पर धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो रहा है, आरक्षण का मुद्दा है जिस पर देश आंदोलित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह के आयोजनों पर विश्वास करती है, उसी एजेंडे के तहत उन्होंने ट्रंप को। अभी बीते दिन आप नेता संजय सिंह आए, उन्होंने कहा कि योगी सरकार को वो यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे, कांग्रेस है ही नहीं लड़ाई में। अब देखिए वो लोग बड़बोलापन बोलने में वो लोग माहिर लोग हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, आए हैं, पिछले समय में भी आए थे, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। आगे प्रियंका गांधी को हाँ लगातार दौरा है, उत्तर प्रदेश में लगातार वो रहेंगी और किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के आवाज़ लगातार वो बन रही हैं, और मुझे लगता है उनके आने से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और देश और उत्तर प्रदेश के लोगों में एक विश्वास बढ़ा है और सशक्त विपक्ष के रूप में वो उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रही हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष का वो जिस तरीके से सामना कर सकेंगे सरकार के खिलाफ, उन नीतियों के खिलाफ रहेंगे जो जनता को फायदा नहीं पहुंचा रही, और आगे भी जनहित में वो लड़ाई करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ अनुज अनुमत, हिंदी खबर, लखनऊ।